दुबई अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स। आप सबको पता है दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। एक ऐसी बिल्डिंग बनने जा रही है जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची होगी और एक ऐसी सिटी जिसमें लाइफस्टाइल से जुड़ी हर चीजें होंगी जो अपने आप में ही एक शहर होगा। और दुबई का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कि आप प्लेन से भी हाई स्पीड में ट्रेवल कर पाएंगे, वो भी हवा में बिना उड़े, सिर्फ जमीन पे ही। तू समझा? अच्छा। नंबर वन, ग्रीक टावर दुबई। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है जो कि 2004 में बनाई गई थी। इसकी ऊंचाई लगभग 830 मीटर है, जिसे बनाने के बाद दुबई को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का खिताब मिल गया था। लेकिन 2011 में सऊदी अरब ने द किंगडम टावर बनाने का ऐलान किया जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर यानी कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंची होगी। और किंगडम टावर को बनने के बाद सऊदी अरब में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब मिल जाना था। अभी किंगडम टावर बनने का ऐलान हुआ ही था तभी दुबई हुकूमत ने $1 अरब की लागत से ग्रीक एरिया में बनने वाला एक नया टावर बनाने का ऐलान किया जिसकी की ऊंचाई लगभग 1300 मीटर होगी, यानी बुर्ज खलीफा द किंगडम टावर से भी ऊंची होगी। इस टावर को दुबई ग्रीक टावर नाम दिया गया था। इस टावर को अपने प्लान के मुताबिक 2020 में ही बनकर तैयार होना था, लेकिन कोरोना वायरस क्राइसिस और ऑयल प्राइसिस की लगातार गिरावट के कारण इस टावर की कंस्ट्रक्शन को होल्ड कर दिया गया। लेकिन इस टावर की कंस्ट्रक्शन के पूरा होने के बाद ये टावर दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा। नंबर टू, दुबई मेडन सिटी। 2007 में वर्ल्ड कप के इवेंट के मौका पर लॉन्च किया जाने वाला यह प्रोजेक्ट दुबई का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जिस पर $30 बिलियन लागत आनी है। ये प्रोजेक्ट कोई शॉपिंग मॉल, कोई होटल या कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी, बल्कि इसमें एक पूरा का पूरा शहर होगा जिसमें एक 7.5 मिलियन स्क्वायर का रेस ट्रैक बनाया जाएगा जिसमें 2 हॉर्स रेसिंग ट्रैक, 1 हॉर्स रेसिंग म्यूजियम, गोल्फ कोर्स, रेस्टोरेंट, फ्री जोन और दुनिया का पहला 5-स्टार ट्रैक साइड होटल बनाया जाएगा। और इस शहर में 3.6 मिलियन स्क्वायर फीट मेडन शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। 711 मीटर लंबा दुबई वन टावर बनाया जाएगा। डॉल्फिन पार्क, मेडन गेटवे टावर्स जो कि रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए होगा, ये सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ 198 लग्जरी विलास पर मौजूद एक सोसाइटी बनाई जाएगी और इसमें एक खास तरह की ट्रांसपोर्ट बनाई जाएगी जो एक टाइम पर 10,000 लोगों को ट्रांसपोर्ट करेगी। ये शहर अलग अलग फेजेस में बनाया जाएगा। नंबर थ्री, हाइपरलूप दुबई। अगर आप सोचते हैं कि सबसे तेज ट्रेवल का जरिया मात्र एक हवाई जहाज है तो आप गलत हैं, क्योंकि 2016 में दुबई के रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ये अनाउंस किया था दुबई और अबू धाबी के बीच एक अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को दुबई हाइपर लूप प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। ये हाई स्पीड रेल सिस्टम बोइंग 777 की हाई स्पीड से भी ज्यादा होगा जिसकी रफ्तार 600 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। अपने इस अल्ट्रा हाई स्पीड की वजह से दुबई और अबू धाबी के बीच जाने में मौजूदा समय 60 मिनट लगता है जो इसके बाद कम होकर सिर्फ 12 मिनट हो जाएगा। इसकी वजह से यह डिस्टेंस सिर्फ 12 मिनट में तय किया जाएगा, यानी कि लोग दुबई से अबू धाबी अब सिर्फ 12 मिनट में ही पहुंच सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के बनने का अभी कोई टाइमलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फरवरी 2018 में इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाले कुछ पोर्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई थी जिसमें इस रेल सिस्टम में यूज होने वाले पोर्ट्स की बात की थी। इन पोर्ट्स को हाइपर लूप कैप्सूल्स भी कहा जाता है और इसके अंदर लोग बैठकर सफर कर सकेंगे। एंड 2020 में कुछ लोगों ने टेस्ट राइड भी की है और इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $22 बिलियन का खर्च आएगा। ये प्रोजेक्ट बनने के बाद अब तक का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर आप कमेंट में बताएं आपको दुबई का आने वाला कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा लगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इंटरेस्टिंग जानकारी पता चल सके। एंड थैंक्स।